जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के बारे में। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यहाँ पे आंगनवाड़ी भर्ती में सुपरवाइजर क्लर्क सहायक सहायिका कार्यकर्ता वाली पोस्ट पर यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी रहेगी 23,753 के करीब यहाँ पे ये वैकेंसी रहने वाली है। जिला ब्लॉक स्तर पर ये वैकेंसी निकलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी वैकेंसीज है। आप अपने रीजनल जो भी वेबसाइट होती है WCD की, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो कितनी वैकेंसीज निकली हुई है और किस किस पदों पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहां पे इसमें आवेदन कर सकेंगे। एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है। ध्यान रखना यहां पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट में यानी कि एक तरीके से 10वीं या 12वीं में जो भी रिलेटेड पोस्ट की क्वालिफिकेशन दे रखी है वहां पे आप देखना आपके कितने परसेंटेज है। अगर आपके 70-80 के करीब है तो आपका चांसेस बनते हैं आपका सिलेक्शन होने के। ध्यान रखना फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक भी चली जाती है। जून जुलाई तक इसका रिजल्ट यहां पे ध्यान रखना आ सकता है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी रहेगी ये वैकेंसी यहां पे अप्रैल मई महीने की, तो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक। इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। दोस्तों यहां पे एक और नोटिफिकेशन निकला हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। यहां पे सहायक सहायिका सुपरवाइजर परीक्षा 2024 करके नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये वैकेंसी जो निकली हुई थी अभी पहले सुपरवाइजर वाली उससे अलग है। ये ध्यान रखना आप यहां पे ये 23,753 की सेंट्रल वैकेंसी निकली हुई है महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से। सभी मतलब स्टेट में सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी यहां पे आवेदन कर सकते हैं। अपने इंडिविजुअल जो भी आपका मतलब वेबसाइट आपको देखनी है, जहां भी स्टेट वेबसाइट आपकी जो भी है WCD की, उस पर जाना है आपको। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पेज पे आपको लिंक दिख जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि अपने स्टेट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट या जोनल एरिया है उसमें आप वैकेंसीज देख सकते हो। सहायक सहायिका के 12,280 पद है, सेंट्रल वैकेंसी है ये। इसके अलावा ये सारे पद जो है वो ऐड करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये जो वैकेंसी के टोटल पद है 23,700 समथिंग वैकेंसीज है। और ये 10th 12th ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो 10th क्लास पास सहायक सहायिका के लिए, वहीं सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास और स्नातक यहाँ पे परियोजना अधिकारी के लिए। तो ये ध्यान रखना ये अलग से वैकेंसी निकली हुई है। जहाँ पे सैलरी अभी वर्तमान में क्या चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ हर बार। तो यहाँ पे सहायक सहायिका के लिए 18,500, ये वेरी करता है स्टेट वाइज। यहाँ पे ध्यान रखना 16,000 है, किसी में 20,000 के आसपास है। तो अराउंड में एवरेज लेके चलता हूँ, 18,000 के आसपास यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है सहायक सहायिका की। वहीं सुपरवाइजर की 26 से 22 के बीच में रहती है, परियोजना अधिकारी की यहाँ पे 30 से ऊपर रहती है सैलरी। ये थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इसके स्टार्टिंग एंडिंग डेट के बारे में, तो डेट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है मैंने, जैसे कि आप देख रहे हो 26 अप्रैल 2024 से लेकर 28/5/2024 तक आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है वो अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट WCD.NIC.IN रहेगी और साथ ही साथ जो फाइनल सिलेक्शन डेट है जून 2024 यहाँ पे टेंटेटिव है। ध्यान रखना ये वैकेंसी में सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है और आपको खाली यहाँ पे अप्लाई करना है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा जून 2024, टेंटेटिव फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने की डेट में बता रहा हूँ। जून जुलाई में यहाँ पे आपकी जो सेकेंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट जो भी आती है वो आ जाएगी। ध्यान रखना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप पूरी वैकेंसी की डिटेल्स चेक कर सकते हो। जब भी ये फॉर्म एक्टिवेट होते हैं, लिंक इनका एक्टिवेट होता है, आपको फॉर्म भर के भी मैं बकायदा बता दूंगा। धन्यवाद।